फ्रेंड्स देखते पाच्छेन आमरा एकदम चले एसेछि अभिजाज दार सामने। एदि होच्छे अभिजाज दा, ठीक आछे? तो एकबार एटा होच्छे अभिजाज दार अफिस, ठीक आछे? एकदम माने होमस्टेते एई एत सुंदर अफिस, हाँ एत सुंदर माने व्यवस्था एई फार्स्ट आमी देखलाम। माने आमी जे कटा होमस्टेते घुरेछि एत सुंदर रूम प्लस एत सुंदर खाबार, खाबारेर क्वालिटी तो एत भालो आमी कि बोलबो आपनाके, आमरा खूब भालो लेगेछे। আর হোমস্টে রুমগুলো এত ভালো, আর সবচেয়ে বড় কথা আমি ফার্স্ট টাইম দেখলাম যে হোটেলে যেরকম অফিস থাকে অভিজাজদার হোমস্টে এরকম অফিস আছে। তো চলুন একবার অভিজাজদার মুখ থেকে একবার শুনে নিই, ঠিক আছে? চলুন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের হোমস্টের অভিরাজ হোমস্টের যে ওনার অভিরাজদা। অভিরাজদা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এত সুন্দর ব্যবহার, হ্যাঁ এত সুন্দর রুম রুম দিয়েছেন এবং এত সুন্দর খাবার দিয়েছেন। আমরা যে কজন এসেছি সবাই খুব খুশি। তো আমি আমার একটা ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল আছে লাইফ টু ট্রাভেল, আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি আমাদের যে এত ভালো সার্ভিস দিয়েছেন সেটা আমি আমাদের যে দর্শক বা ভিউয়ার্স আছে তাদের জানাতে চাইছি। তো আপনি একটু হেল্প করবেন, ঠিক আছে? নমস্কার, মে হু অ্যাকচুয়ালি ছোটা সা হোমস্টে ওনার অভিরাজ হোমস্টে ফ্রম তিনচুলে। एक्चुअली ये तीन चूल्हे बोल के एक कोई
ये नाम सुना भी होगा प्लस नहीं सुना भी होगा, ये मतलब ऑफबीट जगह पे अभी ये ऐसा ऑफबीट डेस्टिनेशन बहुत सारा बन गया है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। जैसे आपका हुआ तीन चूल्हे, लामाहट्टा, पेशोक, छोटा मंगवा, बड़ा मंगवा, लेपचा जगत, तबाकोसी, ये हुआ रांगबांग वैली, बहुत सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मतलब बहुत अच्छा अच्छा जगह है ऑफबीट में। और ये भी एक ऑफबीट जगह है, जैसे तिनचुले फेमस हो चुका है मोटा मोटी, सभी के कान में इसका नाम पहुंच गया है। अभी मतलब तिनचुले में ऐसा हो गया है कि होम स्टेज, होटल प्लस रिसोर्ट, लॉज, ये सब बहुत बन गया है, ठीक है। और गेस्ट के लिए एक ऑप्शन है कि अभी का टाइम ऐसा है आपका कलकत्ता में गर्मी गर्मी का टाइम है, अभी 42 डिग्री 45 डिग्री अभी चल रहा है, अभी रिलैक्सेशन मतलब माइंड फ्रेश के लिए, रिलैक्सेशन के लिए टूरिस्ट ऐसे ऑफबीट जगह बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। जैसे मतलब अभी दार्जिलिंग क्या हो गया, रिनोम जगह क्या हो गया, बहुत गेंजी हो गया, बहुत गेंजी भी ऐसा गेंजी कि आपका कलकत्ता तिनचुली मतलब कलकत्ता दार्जिलिंग में कोई फर्क ही नहीं, फर्क नहीं, एकदम सही बात। अब अभी जाइए, ये सीजन का टाइम है, मई महीना का सीजन का टाइम में जाइए आप दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का मेल और कलकत्ता का बड़ा बाजार, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक बोले, भीड़ है, पापा पुपू हॉर्न आदमी गाड़ी ये सब, गाड़ी रखने का प्रॉब्लम, ये सब ये इससे ही भाग रहे हैं टूरिस्ट। तो ऐसा जगह में जाके बैठ के रिलैक्स करना ये थोड़ा बेवकूफी होगा, इसलिए ये सब जगह पे अभी टूरिस्ट बहुत घुस रहा है। ये डे बाई डे तिनचुले की बात करूँ तो तिनचुले में भी आपको अभी 30-35 होम स्टे बन गया है, इसमें भी आपको ऐसे 1000-1500 ऐसे डेली टूरिस्ट घुस रहा है। तो ऐसा ऐसा जगह अभी चूज कर रहे हैं टूरिस्ट, ये अच्छी बात भी है टूरिस्ट के लिए भी, माइंड फ्रेश करो, दो दिन रुको ऐसा जगह पे। एक बात है थोड़ा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ऐसे जगह पे, जैसे नेटवर्क का इश्यू है, कोई होम फ्रॉम वर्क करना चाहते हैं इसके लिए वाईफाई थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, कनेक्शन होता है लेकिन डिस्टर्बेंस रहता है क्योंकि दूर से आया है, वो भी होना भी स्वाभाविक ही है। और मार्केट नज़दीक नहीं है, छोटा छोटा खाना वाना जो छोटा छोटा चाहिए डेली नेसेसरी वो लाने में, सामान जुटाने में ये मतलब प्रॉब्लम है। होम स्टे में मतलब होमली इन्वायरमेंट प्लस आपका ये मतलब क्या बोलूँ, इसके खाने का जो टेबल में गरम खाना, चावल दाल चावल सब्जी यही आया यहाँ पे, यही बड़ी बात है एक्चुअली। लेकिन ये होम स्टे का मीनिंग टूरिस्ट भी समझते हैं, होम स्टे में ज़्यादा डिमांड करने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे फैसिलिटी भी दे नहीं सकते, चाह कर भी दे नहीं सकते। अपना जो खबर है क्वालिटी तो खूब ही भलो, गरम गरम खबर दिखे, फ्रेश ऑर्गेनिक खबर दिखे, सबसे बड़ा कथा ये मतलब ऐसा जगह पे ऑर्गेनिक आपको फ्रेश खाना मिलेगा ही नहीं, ये क्योंकि ज्यादा से नहीं आता, मैक्सिमम सब्जी वगैरह तो यहाँ पे मतलब फार्मिंग ऑर्गेनिक फूड जो दिखे मतलब सब्जी देखो तो आपको मैक्सिमम सब्जी यहीं पे हो जाता है। अच्छा, सीजन वाइज होता है, मतलब एक महीना में क्या निकलता है, दूसरा महीना में दूसरा निकलता है, ठंडा के मौसम में अलग से सब्जी होता है, गर्मी के टाइम में अलग से होता है, ऐसा करके होता है, लेकिन होता है। और लोकल में मेरे पास में होना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकल में कहीं से भी खरीद के लाओ, ये भी मिल जाता है, तो ये टेस्टी भी होता है और सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट है, ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक ये मिलता है। आपने देखा नीचे चाय बागान, ये पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा इसमें पेस्टिसाइड्स ना तो कोई केमिकल, कोई इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी यूज नहीं होता है इसमें, सिर्फ होता है काउडर एज अ फर्टिलाइजर, और ये मतलब पेस्टिसाइड्स एज अ पेस्टिसाइड्स, आपका ये यूरिन गाय का पेशाब जो होता है ये असली पेस्टिसाइड है, यही चाय बागान में भी यूज होता है, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक है। तो ऐसा करते करते मतलब नेचर नेचर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये ऑफबीट जगह मिल देगा आपको, कंचनजंगा प्लस सनराइज, कंचनजंगा और सनराइज एक ही साथ में एक ही जगह से दिखने वाला गांव शायद तिनचुले है, ये बात भी, ये बात भी नोट करके रखिए। और कंचनजंगा और सनराइज एक ही जगह देखा जाए, सेटा होच्छे एकमात्र तिनचुले, तिनचुले। अच्छा, ये है व्यूअर्स, आपनारा किन्तु मने राखबेन दादा जेटा बोलछे तिनचुलेटा किन्तु एटा एकटा मेन अट्रैक्टिव कारण, ये पॉइंट है, ये पकड़ लीजिए। और दूसरी बात है, एक शायद आप गूगल मैप में सर्च कीजिए, ये भी मिल जाएगा आपको, फर्स्ट विलेज टूरिज्म
इंडिया में फर्स्ट इको टूरिज्म या विलेज टूरिज्म स्टार्ट करने वाला गाँव तिनचुले, ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा, ये आपका सामने में एक बड़ा गेस्ट हाउस है, गुरुंग गेस्ट हाउस, उसका ओनर ने ये स्टार्ट किए थे 1997 में। बहुत पहले से स्टार्ट किए थे, 1997 से तिनचुले में टूरिस्ट घुसना शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा, अभी तो कितना घुस रहा है ये अभी तो जो 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 होटल हमने फोन करे चला सब बुक, शुद्ध अपना साथ चेना छूटे हुए थे और जो हमारा पेज है ना सब होटल बुक। तो ऐसा ऐसा हालत हो गया। और टूरिस्ट को भी मतलब अगर मौसम अच्छा रहा, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा है इसका, ये पहाड़ का, तो इसलिए यहाँ पे फॉगी मौसम मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम फॉगी मौसम। और ये अगर नहीं होता है तो यहाँ से मतलब कंचनजंगा, सनराइज, छंगून, नथुला, ये स्नो पीक का रेंज, सभी हिमालय रेंज में आपका मैप में देखिए, ये नेपाल का बॉर्डर में जितना भी हिमालय रेंज का ये मैप है वो सब यहाँ से दिखेगा। सामने में आपको सिक्किम और कालिम्पोंग, तो फ्रंट यहाँ से फ्रंट दिखेगा कालिम्पोंग, और बीच में तीस्ता रिवर है, ये सब आपको नेचर जुड़ा हुआ है। और इसीलिए अभी टूरिस्ट आना आ रहा है, ऐसे करके करते करते अब हम लोग तो सर्विस में बैठे हैं, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखना पड़ता है। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ऐसा होता है कि देखिए कोई बहुत वैरायटी का टूरिस्ट होता है, मैं ही फेस करता हूँ डेली बाई डे बाई डे, नया नया चेहरा फेस करता हूँ, तो उसका अपना अपना क्वालिटी, अपना अपना टेस्ट होता है टूरिस्ट का, और फेस करना ही पड़ता है, क्या करें। अब ये प्रोफेशन में आए थे, कोई मतलब रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, वो लोग को मतलब हाई फैसिलिटी चाहिए, अब ये सब तो होम स्टे में नहीं होता है, अब उसको एडजस्टमेंट करके रुकवाना पड़ेगा यहाँ पे, और उसका उसका डिमांड डिमांड भी फेस करना पड़ेगा, कैसा वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलता रहता है वो, लेकिन नहीं होता है ये सब कुछ। कोई टूरिस्ट शांत होता है, शांत स्वभाव, मतलब कोई टूरिस्ट ऐसा होता है हार्ट टचिंग टूरिस्ट, जो जाने के टाइम में भी ये दो तीन दिन रुके तो और भी अच्छा होता है, ऐसा हमको एज ए ओनर, एज ए ओनर मतलब हम कोई कोई तीन दिन का बुकिंग करता है, यार ये टूरिस्ट कब जाएगा, एक दिन में निकल जाना ठीक है, ऐसा टूरिस्ट भी आता है, दिमाग खाने वाला टूरिस्ट होता है, ये सब फेस करना ही पड़ता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अच्छा, और एक चीज बोलिए, आपका ये होम स्टे में कितना रूम है? मेरा एक्चुअल अभी क्या हो रहा है, मेरा रूम तो बहुत है, रूम है लेकिन बात किया है, कोई सेकंड फ्लोर रूम बोला तो वो बैठते नहीं है, बता नहीं क्यों, सेकंड फ्लोर से और भी व्यू अच्छा है, उसका कमरा भी अच्छा ही है फर्स्ट फ्लोर के कंपेयर में अच्छा है, लेकिन सेकंड फ्लोर बोल दिया तो वो रुकने मानता ही नहीं है, ये टूरिस्ट का ये मतलब सबका ये दिमाग है। तो मोटामोटी कितना रूम है अपना? मोटामोटी अभी 12 रूम का लिए वो मतलब रनिंग में है, 12 रूम, 12 रूम है, तो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 6 बेडरूम भी है, कॉटेज है, कॉटेज अच्छा ये सब है, ठीक है जो भी है। अब अभी मतलब अच्छा है। और टूरिज्म बिजनेस ऐसा है, ये होम स्टे का बिजनेस में मैंने देखा, होम स्टे का मालिक मतलब ओनर के साथ में ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये सबके साथ में जुड़ा हुआ है, ये ऐसा है, ये मतलब बोलते हैं ना बेंजिन रिंग जैसा टाइट बना के बैठा है, जैसे गाँव का इकोनॉमी जो है वो पूरा गाँव का इकोनॉमी बढ़ेगा। होम स्टे का मालिक के पास 10 रुपया है सपोज, तो 2 रुपया, 1 रुपया, 50 रुपया हर कोई के पास में जाएगा, जैसे गाड़ी का मालिक है, गाड़ी का ड्राइवर है, स्टाफ है, कुक है, उसका हेल्पर है, सब तो गांव का ही है, सब में साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक मतलब एक मेरा ही आप एग्जांपल दीजिए, मैं ओनर हूँ, ठीक हूँ, ठीक है, अब तो गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं, कोई गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी का व्यवस्था कर दूंगा, गाड़ी सॉलिड पैकेजिंग मैं कर दूंगा, पूरा पैकेज आप कर देंगे, एनजीपी पैकेज कर देंगे। आपने जब देखिए गाड़ी पैकेज चाहें, माने कोनो गाड़ी दरकार আছে, ঠিক আছে, উনি করে দেবেন, প্যাকেজও করে দেবেন। আর খাওয়া দাওয়ার আপনারা সাধারণত কি করেন? সকালে ব্রেকফাস্ট দেন, সুবহ বেটি আইগা, হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট আইগা, লাঞ্চ আইগা, ইভিনিং স্ন্যাক্স আইগা, চা আইগা, ডিনার আইগা। আচ্ছা, তো ব্রেকফাস্টে মোটামুটি ব্রেকফাস্টে কি কি খাবার দেন? ব্রেকফাস্টে অ্যাকচুয়ালি আপকো बटर ब्रेड ऑमलेट, पूरी सब्जी, आलू पराठा, प्लेन पराठा सब्जी, ड्राई रोटी सब्जी, बटर ब्रेड ऑमलेट, चाउमीन, बहुत सारा ऑप्शन है जो भी बनेगा। अच्छा, लंच में? लंच में अंडा होगा तो सब्जी दाल भात ये रहेगा। फिश यहाँ पे उतना मतलब वैरायटी और उतना फ्रेश भी नहीं आता, अगर कभी कभी कहीं से भी फ्रेश मिल रहा है तो फिश भी इंतजाम। अपना चिकन पकौड़ा, इवनिंग चिकन के आइटम होगा, जो भी चिकन पकौड़ा हो या चिकन मोमो हो या जो भी हो एक आइटम बनेगा, और रात में भी डिनर में चिकन के साथ में जो लेंगे रोटी चावल जो लेंगे।
আচ্ছা মোটামুটি আপনার এখানে যা রেট আছে তো সেটা তো সবাই সব হোমস্টের লোকেরাই বলে যে সিজন ওয়াইজ চেঞ্জ হয়, তো যারা ভিউয়ার্স আছে একটু মোটামুটি একটু আইডিয়া দিয়ে দিন যে কিরকম পার হেড হিসাবে পার হেড পার ডে পার হেড হিসাবে ফুডিং লাগবে না কি রুম হেড পার পার ডে পার হেড কেই বেসিস মে চলতা হয় মতলব সব হোমস্টেতে এটা সিস্টেম হতে পারে লেকিন উসকা কোয়ালিটি হতা হয় মতলব স্ট্যান্ডার্ড হতা হয় উসকি হিসাব সে রেট হ্যায় फाइनल। जैसे वुडन में रुकेंगे तो 1300 पर डे आएगा, ये बिल्डिंग लेंगे तो 1500 पर डे पर हेड आएगा। नीचे कॉटेज देखा आपने, नीचे कॉटेज 2000 रुपए पर डे पर हेड आएगा। ऐसे करते कैटेगरी की हिसाब से सीजन वाइज चेंज होगा, सीजन ऑफ सीजन एक ही रहेगा, मतलब मोटा मोटी टूरिस्ट हर टाइम ही आते हैं यहाँ पे। सीजन ऑफ सीजन का कोई मतलब नहीं है, जुलाई छोड़ के, जुलाई बारिश का मौसम है इसमें डिस्काउंट रहता है, उस मैक्सिमम ही डिस्काउंट रहता है, ये छोड़ के बाकी टाइम पैक्ड ही रहता है टूरिस्ट। तो अच्छा है टूरिस्ट के लिए भी, मतलब एक होम स्टे का एक बिजनेस आगे बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया है, जो मिनिमम बजट में भी घूमना पसंद करते हैं उसके लिए होम स्टे बेस्ट है। আচ্ছা আপনার এখানে তো ওয়াইফাই ফেসিলিটি আপনি দিচ্ছেন, ঠিক আছে, সেটাও দেখছি, গাড়ি ফেসিলিটি চাইলে সেটাও আপনি দিয়ে দিচ্ছেন। আর আপনি দাদা একটু আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলে দিন আর আপনার অ্যাড্রেসটা বলে দিন, আপনার কোনো ভিজিটিং কার্ড মে দে দুঙ্গা। আচ্ছা আর আপনার নাম্বারটা বলে দিন, যে কোন আদি কারেন্ট নাম্বার আপ নোট কর সকতে 9749370965, ये নাম্বার মেরে পাশ মে হর হামেশা রহতা হ্যায়। और दूसरा नंबर है 9093581102, ये भी मेरे पास में रहता है। आप ये दो नंबर में, नहीं तो नेट में आपको कहीं पर भी अभिराज होमस्टे का डिटेल्स कहीं पर भी मिला वहाँ से भी आप नंबर निकाल के फोन कर सकते हैं। फोन बुकिंग वुकिंग सब मेरे पास में होगा, एजेंट के साथ में आप थोड़ा संभल के, अभी फ्रॉड एजेंट बहुत सारा निकल डायरेक्ट अपना उनके साथ परिचय कर दीची, जैसे डायरेक्ट अपना को एजेंटर थ्रु ते ना आसाई भलो बोलो, जेखने अपनी उनके साथ डायरेक्ट कथा बोलते डायरेक्ट उनके नम्बर नीते तो डायरेक्ट उन के कथा बोले बुकिंग कर आसा तो भलो, तो चीट हार चान्स तो खूब कम थे। मतलब ये मैं एजेंट सबको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीटर नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉड भी बहुत सारा बन गया है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, होमस्टे का रेपुटेशन लोग खराब कर सकते हैं, अभी होमस्टे में मैं घुसाऊंगा बोल के आपसे पैसा उठा सकता है, ये सबसे आपको बच के रहना है। ये व्यूअर्स को भी मैं बोलता हूँ, लिसनर्स को भी बोलता हूँ, जो भी हो इसमें संभल के रहना है। अभी ये हमको भी पता नहीं चलता है कि आपसे पैसा लिया है, बाद में पता चलता है आप लोग लॉकेज लेके यहाँ पे आते हैं तो रूम नहीं मिलता है, उसने बताया नहीं होता है, वो फ्रॉड से तो थेके एक सावधान থাকবেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অভিরাজদার অ্যাড্রেস কন্টাক্ট নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এভরিথিং দিয়ে দেব, তো আপনারা এই ভিডিও লিংকটাকেও নিচে দেওয়া থাকবে, আপনার ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করবেন, ওখানে আপনার ডিটেলস পেয়ে যাবেন আর ওখান থেকে ডাইরেক্ট আপনারা অভিরাজদাকে কন্টাক্ট করে আপনার এখানে চলে আসতে পারবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে অভিরাজদা, অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ঠিক আছে।